हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप व्हाट्सएप का डिलीट मैसेज किस तरीके से और कैसे देख सकते हैं। जैसे कोई आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करके और तुरंत डिलीट कर देता है, जैसे आप सीन नहीं कर पाते हैं मैसेज, वो तुरंत डिलीट कर देता है डिलीट टू एवरीवन पे क्लिक करके, तो आप उसको किस तरीके से देख सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करके हम आपको बताते हैं, चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आ गए हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब देखिए, यहाँ पास मेरा दो व्हाट्सएप है, एक येलो व्हाट्सएप है और एक येलो। अब एक व्हाट्सएप से मैं दूसरे व्हाट्सएप पे मैसेज करूँगा और डिलीट कर दूँगा, डिलीट टू एवरीवन पे क्लिक करके डिलीट कर दूँगा। मैं आपको दिखाऊँगा कि वो मैसेज डिलीट हुआ मैसेज कैसे डिलीट किया जाता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, पहले मैं मैसेज करता हूँ अपने दूसरे व्हाट्सएप पर। जैसे मैं लिखूँगा, कैसे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो। मैंने तीन मैसेज किया, कैसे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो। अब मैं इसमें से कोई सभी मैसेज डिलीट कर दूँगा। जैसे मैंने डिलीट किया येला, मैंने उधर डिलीट नहीं किया। अब यहाँ पर देखिए, मैं डिलीट टू एवरीवन पे क्लिक करके डिलीट कर दिया, यू डिलीटेड दिस मैसेज क्लिक किया गया। अब मैं दूसरा व्हाट्सएप अपना ओपन करता हूँ। ये देखिए, मैंने दूसरा व्हाट्सएप ओपन किया। अब मैं जब यहाँ पर देखूँगा तो एक मैसेज डिलीट है। अब मैं इसे कैसे डिलीट करूँगा मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर कैसे हो जहाँ लिखा है इस पर मैं होल्ड करूँगा थोड़ी देर। जब होल्ड कर लूँगा तो ऊपर देखिए कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी का ऑप्शन है, एक बार मैं कॉपी करूँगा तो यहाँ पर देखिए लिख के आ गया, कैसे हो, कहाँ हो, जो मैंने कहाँ हो लिखा था वो डिलीट हो चुका है। और यहाँ पर लिख के आ गया कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तो पहले से लिखा है। और जो डिलीट हुआ मैसेज था वो मैं रीड कर लिया मैंने यहाँ पास। तो इसे आप कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल में, ये ट्रिक आप कैसे कर सकते हैं, तो आगे इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, मैं सिंपली बैक आ जाऊँगा। बैक आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पास एक एप्लीकेशन सर्च करना है जिसका नाम है चैट बिन। इसको इंस्टॉल करके इसको ओपन कर लिया, मैंने पहले से किया है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसमें जो कुछ परमिशन रहेगी उसको आपको अलाउ करना है, एक्सेस करना है। जैसे मैं फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन जो है इसको चैट बिन ऑन कर दूँगा, अलाउ कर दूँगा। उसके बाद सेकेंड इंफॉर्मेशन जो है इसकी परमिशन है इसको मैं अलाउ कर दूँगा। उसके बाद जो थर्ड परमिशन है इसको मैं अलाउ कर दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जब क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ पास आपकी एप्लीकेशन चालू हो जाएगी। और वहाँ से भी कोई भी आपको मैसेज करता है और तुरंत डिलीट कर देता है तो आप कॉपी में जाकर, जैसे मैंने बताया, कॉपी में जाकर ऊपर वाला मैसेज होल्ड करिएगा, उसके बाद कॉपी में जाइएगा, कॉपी में जाएंगे तो आपको मैसेज दिख जाएगा जो डिलीट हुआ रहता है। तो इस तरीके से आप WhatsApp का डिलीट मैसेज देख सकते हैं। तो बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जो बगल में रहता है उसको ऑन कर लें। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाले थे, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।